नहीं बाबू दिखाया नहीं जाएगा ये दिमाग में हाँ बताइए बाबू क्या हुआ पूरा घटना बता दीजिए एक बार बस बताइए तो बताइए बताइए। हम लोग जा रहे थे अपने गांव जा रहे थे तो रास्ते में एक सुनसान जगह था तो वहीं पे उस हरामी लोग 10-12 लोग थे उन लोग गुंडों ने हम लोग को घेर लिया और मैं अब हम लोगों को घेर कर पूरा बाइक को थी नीचे गड्ढा में फेंक दिया और मेरे पापा मेरी मम्मी और मुझे एक बहुत सुनसान जगह पे मतलब खेत में ले जाकर बहुत दूर हम लोग बैठाया वहाँ पे फिर वहाँ पे बैठाया और बोला कि प्रशासन आने वाला है जो तुम लोग के हाँ और ना में जवाब दो और मुंडे नीचे करके बैठो और भी दो लोग थे बहुत पहले से ही उन लोग का हाथ को बांध कर रखे हुए थे उन लोग को भी बहुत पीटे फिर बहुत कुछ पापा से पूछे कि क्या करते हो फिर ये बोला कि तुम लोग के हम कुछ भी नहीं करेंगे बट उन लोग फिर हम लोग को पूरा मतलब मम्मी से पूरा सब कुछ छीन लिया जितना भी हम लोग का था हम लोग नए नए कपड़े घर पर ले जा रहे थे और जितना भी मम्मी का गाना मतलब पानी हुई थी जितना सारा से छीन लिया और पापा 2000 पैसा लिए हुए तो वो भी छीन लिया फिर पापा को फ्रेंड की जगह पे रिवॉल्वर लगा दिया और मेरे फ्रेंड की जगह पे रिवॉल्वर लगा कर और मुझे बहुत दूर ले गया कमीनों ने बहुत दूर ले गया और चुप रहने मेरे फैमिली से बहुत दूर ले गया और मुझे रेप कर दिया। कितने लोग थे आप लोग? लगभग मेरे पास 3-4 लोग थे और मेरे सब पेरेंट्स के पास थे और सब उन लोग के तो नहीं जानते उन लोग क्या किए बट मेरे पास 3-4 लोग थे उन लोग बहुत ही कमीने थे। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं तो मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरी लड़की के साथ हो और मैं कानून से यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उन लोग की सजा हो और उन लोग का फांसी की सजा हो क्योंकि हम उसे फांसी पे लटकना देखते जाते तभी मेरा इंसाफ होगा। उन लोग का पहचान लिए हैं? उन लोग के हम पहचान नहीं पाए क्योंकि उन लोग पूरा भूरके में थे। ठीक।